निकल गया हूँ आबू धाबी सिटी से, और अभी हम पकड़ेंगे यहाँ से सीधा शेख जायद रोड, और हम लेंगे राइट साइड अल दफा रोड की तरफ। यहाँ से डिस्टेंस आपको 70 किलोमीटर्स है आबू धाबी सिटी से, जो कि 40 to 45 मिनट्स में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों देखो, आबू धाबी की टनल के अंदर है हम इस समय, और दिन का टाइम है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है, अमेजिंग। ऐसी टनल में जाते वक्त हमेशा दिल खुश हो जाता है। भाई लोग, हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ वहाँ से कार से ही जा सकते हैं, और दूसरा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो अगर आप टैक्सी से जा सकते हैं, बट टैक्सी आपको ऑब्वियस है, यहाँ पे टैक्सी बहुत ही आपको महंगी मिलेगी। तो बेटर रहेगा कि अगर आपके किसी फ्रेंड के कार से जा सकते हैं, या आपकी खुद की कार हो तो आप कार से चले जाएँ। बट यहाँ से बस का कोई रूट नहीं है, बस से आप बिल्कुल नहीं जा सकते, या टैक्सी हो या तो कार हो, ये दो आपके लिए ऑप्शन, ये दो दो चीज़ है जिससे आप जा सकते हैं। दोस्तों ये है एग्जिट 305, और यहाँ से हमें इस मेन हाईवे को छोड़ना है, और अब हम दूसरे स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे इस एग्जिट 305 के जरिए से। तो भाई लोग, अभी हम लोग ने एग्जिट 305 लिया है, और वहाँ से हमने हमीम रोड पकड़ा है। अब हमीम रोड से हम लोग सीधा सीधा जाके हार्डली 10 किलोमीटर है, यहाँ से स्ट्रेट रास्ता है। आप देख सकते हैं कितना सीधा रास्ता है, यहाँ से ये रोड हमको पकड़ के जाना है सीधा। सर मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे पेमेंट करने वाले हम लोग, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 56 दिरहम है पर पर्सन, अगर आप कैश देंगे तो 55 है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप यहाँ पे कार्ड दे सकते हैं। अरे ये रही हमारी टिकट्स यार, ये आप देख रहे हो कितना ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं इसके टायर के पास जा रहा हूँ, और अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इसका टायर ही कितना बड़ा है, और ये ग्लोब तो उसके और भी ऊपर है। तो इसके अंदर अब मैं बता दूँ कि इसके अंदर रूम्स वगैरह, बेडरूम वगैरह पूरा एकदम फुल बेडरूम सेटअप है, बट ड्यू टू सम रीज़न अभी इसके अंदर तो जाने को परमिशन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी यह काफ़ी हो जाइए। एक ट्रेलर जैसा इन्होंने बना के रखा है, और यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं पूरे जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिसका हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ टाइम बाद। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरी, ये मर्सिडीज़ गाड़ी है, और इसके नीचे लोग ने 4x4 का बहुत ही ख़तरनाक टायर लगाया है। ये मैं बता दूँ ये भी फंक्शनल है, यहाँ पे एक से एक विंटेज गाड़ियाँ हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये थंडरबर्ड मॉडल फोर्ड की, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ चार ऐसे फोर्ड के मॉडल्स जो कि 1962 से लेकर 1964 के बीच में आए थे, और उन्होंने पूरा धूम मचा दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन रहता है गाड़ी का, और ये मॉडल है अपना 1964 का, मेड इन यूएसए। और ये आप शानदार गाड़ी देखिए, और ये मेरे जस्ट पीछे एक और है फोर्ड की गाड़ी, और ये अपना तीसरा फोर्ड का गाड़ी 1962 में आया था, और ये पूरा ओपन रूफ है, ये पूरा गाड़ी जो है ओपन है, मस्त हवा लेते जाए आप। ये गाड़ी ने धूम मचा दिया था यूएसए में, और ये अपने शेख साहब के पास भी है। तो मैंने आपको फोर्ड की दिखाई, अब मेरे पीछे जो है कैडिलक की गाड़ी, ये है कैडिलक की एल्डोराडो मॉडल, जो कि 1974 में इसका लॉन्चिंग हुआ था, और ये अभी भी आप देख सकते हैं 2022 चल रहा है, और फिर भी ये कितनी शानदार दिख रही है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी 1974 की हो सकती है। अब ये है दूसरा वर्जन कैडिलक का, और पीछे जो है मस्त प्यारा सा येलो कुशन है। ये हमारा मर्सिडीज़ का सेक्शन शुरू हो गया अभी, तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है गाड़ी का मॉडल भी लिखा रहता है, ताकि जो भी आए, मर्सिडीज़ SCL 300 जर्मनी, मेड इन जर्मनी, ये अपना 1970 का, और एक से एक शानदार गाड़ी है यहाँ पे। ये अपनी मर्सिडीज़ 1980 मेड इन जर्मनी, ये मर्सिडीज़ 250 1984, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जो कि आपको उस साल की गाड़ी जो है यहाँ पे नहीं दिखे। ये 1983, ये मर्सिडीज़ लाल और पीले
और ऑरेंज मिक्स में, फुल रेनबो गाड़ी है 1981। और इसको आप देख सकते हैं, ये अपना मर्सिडीज 1885 की जो है, अब इसको मैं क्या बोलूँ, साइकिल बोलूँ या मोटरसाइकिल बोलूँ, ये है 1885 की। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो मोटर है पीछे लगा है पूरे, और इसके जो टायर है मुझे लग रहा है कि ये स्टील के टायर हैं। और फिलहाल मेरे ख्याल से दो लोग तो इसमें बैठ ही सकते हैं आराम से। बहुत ही अद्भुत, ऐसे आपको बहुत ही सारी अद्भुत चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। मेरे पीछे आप जैसे देख रहे हैं, डॉज की वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कार है, इसका मैं आपको आगे से फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। ये ट्रक है अपना केनवर्थ का 1950, और इसके पीछे जो है इससे भी बड़ा, ये भी केनवर्थ का जो ट्रक है 1977 मेड इन USA। आप देख रहे हैं, ये है प्लाईमाउथ की गाड़ी, जो कि USA की शेरिफ जो लोग रहते हैं, जो गांव साइड में या कंट्री साइड में जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, ये उनकी कार है। ये ओरिजिनल कार वहाँ से शेख अहमद ने यहाँ पे लेके आए हैं एज ए म्यूज़ियम में, और ये पहले उसको ओन करते थे। तो इन्होंने जो एक गाड़ी है सब USA से लेके आई है। ये अपनी प्लाईमाउथ की टैक्सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे लिखा है, ये सिटी टैक्सी अपना। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये है USA पुलिस की कार, जो आप देखते होंगे मूवीज़ में दिखाते, ये 2005 की फोर्ड क्राउन विक्टोरिया है। ये USA पुलिस की कार है, जो कि बड़े बड़े शहर में एज ए न्यूयॉर्क और टोरंटो सब साइड में रहती है। ये अपना एक और टैक्सी है, जो कि फोर्ड का ही है, और इसका मॉडल है क्राउन विक्टोरिया। पुलिस की कार और ये टैक्सी की कार यार एक ही मॉडल है, दोनों काफ़ी शानदार है ये। और ये अपना आता है मर्सिडीज SC250 1967। ये आप देख रहे हैं, क्या ही विंटेज गाड़ी है, मस्त देख के मज़ा आ जाता है। ऐसी कोई कार नहीं जो कि शेख अहमद ओन नहीं करते। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मर्सिडीज़ की SL280 मॉडल है 1977 की, मेड इन जर्मनी। और ये गाड़ी अब मतलब टू सीटर है, बहुत ही छोटा गाड़ी है, बट देखने में चकाचक एकदम चमक रहा है नए जैसे, ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट शोरूम से आया है। बहुत ही शानदार इसका जो है लुक है।